हाय डियर माय फ्रेंड्स, एक्चुअली आप लोग को जो वीडियो बना लो साइकोलॉजी किस तरह से बिल्डअप करा जाता है, मैं उस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ। दैट्स द यूएसडी आया है ना, ठीक है। मैं लगातार 2-3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, साइकोलॉजी बिल्डअप कर रहा हूँ। इसमें लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, कंट्रीटी काम है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देख लेना। तो किस तरह से हम लोग अगर अभी का चार्ट एनालाइज करेंगे, बैक डाटा जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डअप किया गया है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो क्या है यूएसडी आईएनआर को अभी प्रेजेंट में जो देख रहा हो क्या हो सकता है, ठीक है। अभी तो अभी का लाइव में क्या हो सकता है, ऊपर नीचे क्या है, देखो यूएसडी आईएनआर में अभी एनालाइज कर रहा हो। जो एनालाइज क्या है, मार्केट यहाँ से इस तरह से लेते हुए यहाँ नीचे आया, फिर अपसाइड किया है, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, इस लेवल से ब्रेकआउट किया तो फिर क्या हुआ, या सपोर्ट लिया फिर से ऊपर जा रहा है। तो एक तरह से साइडवेज मार्केट है अभी। यहाँ पे यूएसडी डॉलर का जो बात करें, यूएसडी डॉलर का है, तो अगर हम यूएसडी आईएनआर में जाएंगे तो क्या चल रहा है, राइट। तो यूएसडी आईएनआर में जो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश करेंगे, तो यूएसडी आईएनआर में क्या हो रहा है देख सकते हैं हम लोग। अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में एक अच्छा खासा कैंडल देखने को मिला, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, मतलब बाउंस के फिर नीचे आ रहा है, मतलब एक तरह से यहाँ पे घूमने वाला है। तो किस तरह ट्रेंड इस तरह नहीं होता है। तो अगर हम पोजीशन अभी भी नहीं है, फिलहाल पोजीशन तो खाली है, अगर डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हो, जो भी देख रहा हो, तो अगर हम इसका वाई ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखेंगे तो देयर इज़ द स्ट्राइक प्राइस, द कॉल साइड स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा दिख रहा है, पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है, इन द कॉल सेम इक्वली है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द वाई ओपन इंटरेस्ट, द चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम चेंजिंग में देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा देखने को बोलना है पुट साइड का, ठीक है। और अभी का हम यहाँ पे अगर हम साइकोलॉजी देखेंगे हमारा क्या किया इस महीने का, यहाँ पे 1511 है। तो पहला क्या है, कम क्वांटिटी का अंदर 500 प्रॉफिट बुक किया, बाद में यहाँ पे कितना, इसमें कितना 270 रुपीज़, मतलब ये इतना हुआ यहाँ पे प्रॉफिट, इतना बचता है टैक्स वगैरह काट के। तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे जो भी है, ये 805 रुपये का प्रॉफिट और नेक्स्ट 735 का हमारा बसा है। तो टोटल 115, मतलब जो भी है 16। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ड्रॉ डाउन करेंगे, अगर देखेंगे तो क्या है, तो ये महीने में क्या हुआ, प्रॉफिट ही कहीं ना कहीं था, अभी भी ट्रेड बचा है, मतलब ट्रेड यहाँ पे तो हाई नहीं। अगर टोटल लॉस एंड प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे हम फिर से जाएंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा अकाउंट है और इस अकाउंट में हम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे। क्या हो रहा है यार, नेट का इशू दे रहा है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, हम लोग क्या क्या किया है तो वो देखेंगे, लास्ट 2-3 महीने से क्या किया है वही दिखा रहा हूँ साइकोलॉजी किस तरह से। देखो यहाँ पे ये तो ओपनिंग था इस अकाउंट, यहाँ पे मैं टेस्ट करने के लिए, ये अगस्त चालू है, अगस्त में लॉस था, सितंबर में लॉस है, अक्टूबर में लॉस होते होते बचा है, नवंबर में देन प्रॉफिट है, अभी से प्रॉफिट चालू हुआ, इसका साइकोलॉजी इतना बिल्डअप हो गया है मतलब यूएसडी आईएनआर में। तो अभी ये लॉस किस वजह से, मैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कितना लॉस है, देख लॉस यहाँ पर लॉस हमारा अगर हम देखेंगे 24 में, ठीक है 24 में देखेंगे, ये ओनली अकाउंट ओपनिंग किया गया है इस अकाउंट में, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे या 40 रुपी चार्ज लगा है ओनली, इसका चार्ज का ऊपर टैक्स था, मतलब यहाँ पे ट्रेड तो हुआ नहीं, ठीक है, मतलब ये टेस्ट करने के लिए ब्रोकर। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे लेस देन 3 मंथ जो भी ओपनिंग रेट, अब 6 मंथ का दे रहा हो, तो 6 मंथ का कोई ट्रेड नहीं है, ओपनिंग था। तो यहाँ पे पहले तो जो था उसमें कितना था और लॉस कितना था, राइट। अभी ये अगस्त है, ये अगस्त है, जुलाई में क्या हुआ, जुलाई में कुछ नहीं था, ठीक है, जुलाई ये अगस्त में
अगस्त, हाँ ये अगस्त में आ गया हम लोग। अगस्त में लॉस था और प्रॉफिट था। लॉस कितना था इसमें जाएंगे, 24 में ये नेट का इशू दे रहा है, 47 था अगस्त में। यहाँ पे देख सकता है 47 रुपीज़, जो माउस पकड़ा है 47 था अगस्त में। तो मतलब खोला था वही अकाउंट जो अगस्त में, सेप्टेम्बर जाएंगे, अगस्त सितंबर में लॉस हुआ था। सितंबर में टोटल लॉस हुआ था हमारा पास। तो पहला क्या हुआ, सितंबर में इसमें 16 मतलब 160, इसको 121, मतलब साइकोलॉजी यूएसडी आई ना रही है पूरा 470, यहाँ पे 230, यहाँ पे लॉस हुआ 210, यहाँ पे लॉस हुआ 3 रुपये। मतलब ये लॉस नहीं था उस दिन का, कोई चार्ज ब्रोकर चार्ज कटा होगा, कोई 56 बाई सेल किया होगा छोटा काउंटर। ये क्या है 200 रुपया, ये कितना, तो टोटल यहाँ पे लॉस निकाल के आ रहा है 94 रुपीज़, राइट। ठीक है, लॉस हुआ था, ये हुआ सितंबर। सितंबर ये अभी का कौन सा चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर की अक्टूबर में क्या किया, यहाँ पे 500 रुपया, यहाँ पे 800 रुपया, यहाँ पे 145, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे थोड़ा 600 लॉस है, ये ना टोटल कितना निकाल के आ रहा है 270। मतलब अक्टूबर में, यहाँ पे अक्टूबर का पहला कौन सा, सितंबर में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, सितंबर में ही लॉस हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट हमने ध्यान दिया यहाँ पे। तो अभी ये मेन मतलब सितंबर में ही जो लॉस है, ठीक है, और अक्टूबर में तो लॉस नहीं है, नवंबर में तो प्रॉफिट। मतलब हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी दो महीने से साइकोलॉजी बिल्डअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला दिन 500 रुपया, यहाँ पे 270 रुपया, यहाँ 739 रुपीज़। ठीक है, तो ओवरऑल हमने जो भी ये नया अकाउंट है, तो यहाँ पे अगस्त चालू है, अगस्त में 2401 अगस्त में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, अगस्त में क्या किया, यहाँ पे 345 प्रॉफिट, बाद में लॉस गया, लॉस 300 ना यहाँ पे, उसको बाद यहाँ पे टू सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ 1182 लॉस यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 131 टोटल लॉस निकल के आ रहा है 2279। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगस्त में हुआ। अगस्त में साइकोलॉजी क्यों लॉस हुआ वो दिखाऊंगा। यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने एवरेज की प्राइस को मैं कमोडिटी काम किया था, और वहाँ पे मुझे यहाँ क्वान्टिटी काम किया था इंट्रेड, ये लॉस है एवरेज प्राइस का, मैंने गलती किया है यहाँ पे। तो क्वान्टिटी थोड़ा सा यहाँ 200 और 100, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ही थोड़ा बड़ा लॉस था, अभी का कोई और लॉस नहीं है। ठीक है, अभी का प्रेजेंट में अगस्त, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अगस्त में सबसे लॉस, सितंबर में कोई लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे 94 लॉस है, खाली अगस्त में 2400 लॉस हुआ था, 2400, और सितंबर में हमको लॉस देखने को मिला 940, और प्रॉफिट उसके बाद प्रॉफिट में आने लगा अभी, और प्रॉफिट मतलब जो भी लॉस है। ठीक है, अभी मतलब साइकोलॉजी देखो कैसा कैसा बिल्डअप किया यहाँ पे, अगस्त में किस किस का गलती किया, राइट, गलती यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये एक गलती यहाँ पे है और एक गलती यहाँ पे है, बीच में इतना बड़ा गलती नहीं है, और यहाँ पे मतलब ये गलती किस लिए हुआ मैं बताता हूँ, और कई को हुआ यहाँ पे, हम होम में जाएंगे, अभी तो वो नहीं है चार्ट, गलती इसीलिए हुआ क्योंकि नवंबर का चार्ट देखेंगे। तो अगस्त में सबसे ज़्यादा लॉस क्या हुआ, साइकोलॉजी क्या हुआ, तो वो दिखाएंगे।
तो सबसे लॉस मुझे यहाँ पे देखने को मिला है 675, ठीक है। तो ये लॉस मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे लॉस सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ये लॉस क्यों हुआ, राइट, 29 में क्यों लॉस हुआ, अगर मैं यहाँ पे देखेंगे ये जो क्वांटिटी है 3300, राइट, सर जो भी लॉट है, तो यहाँ पे खाली किया और 600 रुपये भी लॉस किया। उसके बाद फिर से लॉस किस लिए हुआ मैं बताता हूँ, यहाँ पे लॉस किस रीज़न में लिया, अभी कौन सा है वो अगस्त का सबसे लॉस किस लिए हुआ, दो जगह लॉस हुआ, तो लॉस इसीलिए हुआ, मैं वही वीडियो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगस्त में लॉस क्यों हुआ, राइट, लॉस इसलिए हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं बाई करना चालू किया, नेक्स्ट दो दो कलर करके बाई किया, यहाँ पे दो यहाँ पे दो, तो यहाँ पे कुछ पोजीशन को यहाँ खाली किया, फिर कुछ पोजीशन को यहाँ, मतलब एवरेज कर रहा हो, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से चालू किया, मैं ये पोजीशन को मुझे लॉस कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो क्वांटिटी धीरे धीरे दो दो करके एवरेज किया था, तो इसका वजह से मैं बच गया था, नहीं तो यहाँ पे 5000 लॉस ऑलरेडी दिखा रहा था, उसको कम कर दिया, तो उसको बाद से मार्केट फिर रिट्रेसमेंट आ गया। तो यहाँ पे पहला 600 रुपये लॉस किया, फिर से एवरेज करते करते फिर लॉस हुआ, तो नवंबर का लॉस यहाँ पे है। उसके बाद और मुझे यहाँ पे लॉस देखने को नहीं मिला नवंबर को बाद, तीसरा दिन भी मतलब यहाँ पे ही पोजीशन स्क्रैप के, उसको बाद दो महीने जो अभी चल रहा है तो लॉस नहीं है, और कोई लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी इतना बिल्डअप हो गया है अभी इस USD INR का अंदर। तो अभी जो यहाँ पे देखो, यहाँ से बेबी मैं एंट्री किया था और बीच में एग्ज़िट किया, तो यहाँ पे भी हमारा पास एग्ज़िट दिखा रहा है ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पे दिस आवरली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो देखेंगे ये जो भी है हमारा टारगेट एंड प्रॉफिट लॉस है, तो ये मायने का नहीं है। तो अगर हम देखेंगे ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे वर्ल्ड होम पेज में जाएंगे, यहाँ पे दिसंबर, हमने एक्चुअली दिसंबर का लिया है जो भी ट्रेड, इसमें चार्ट लगा होगा शायद, नहीं नहीं ये वाला लिया होगा जून का है, डेली टाइम फ्रेम जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट, अभी ऑन आवर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा प्राइस कहीं ना कहीं इस प्राइस में से ख़रीदा होगा। यहाँ से मैंने पहला यहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग का किया है, बाद में फिर ऊपर का मतलब बाउंस मार गया, कहीं ना कहीं टारगेट कहीं ना कहीं हिट हो गए। मैं यहाँ पे GTT ऑर्डर वगैरह आपको टिगर एंड द ऑर्डर्स दिखाएंगे ऑर्डर सेक्शन में जाके, क्योंकि ये ऑर्डर हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा सब जो भी है। तो यहाँ पे तो नहीं देख रहा यार, बाय एंड सेल ऑर्डर हिस्ट्री पोजीशन ट्रेड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमको, तब जाके मिलेगा। इंस्टॉलमेंट हाँ इसमें जाएंगे, हाँ ट्रेड में जाके तब पता चलेगा क्या क्या किया है हम लोग, क्या क्या नहीं किया। देखो यहाँ पे ट्रेड 155 जो भी यहाँ पे 30 डेज नहीं कस्टमाइज दे 3 माइनस है, ठीक है, तो ये अलग अलग है। ऑर्डर हिस्ट्री में मोबाइल में तो ट्रेड हिस्ट्री में यहाँ पे आ जाता था क्या हुआ मोबाइल से, हमने GTT ऑर्डर में दिखाएंगे आपको क्या क्या हुआ। कैंसिल ऑर्डर, ये टिगर देखो, ये टिगर हो गया, ये सेलिंग था, सेलिंग का टारगेट अजीब हो गया, ठीक है, मैं टिगर हुआ था प्रॉफिट, ठीक है, कैंसिल हो गया। ये देखो ये USD आया ना टिगर, टारगेट मतलब टारगेट दे दिया, मतलब GTT ऑर्डर में लगा के रखा, ये देखो टारगेट है,
ठीक है, ये SBI का भी टारगेट दिया दिया, मतलब हमको GTT ऑर्डर से मतलब है, हम GTT ऑर्डर पहले से लगा के रखा है। अभी का GTT ऑर्डर अगर देखेंगे यहाँ पे हम देख सकता है, ठीक है, टारगेट कितना लिया है यहाँ पे हमारा, टारगेट इतना सारा टारगेट है, USD सेल में टारगेट दिया है और बाइंग में सेलिंग में, मतलब ये सब टारगेट का है, हमारा काम है टारगेट। यहाँ पे स्टॉप लॉस कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एंड बाइंग का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप सेलिंग का टारगेट देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग का टारगेट देखने को मिलेगा, और पेंडिंग ऑर्डर अभी कितना पड़ा है तो वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओनली पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये पेंडिंग ऑर्डर अभी पड़ा है, इसके अंदर USD INR फंड्स लट ऊपर का नीचे का भी दोनों मतलब ऑर्डर लगा है, अभी भी ऑर्डर नहीं लगा है, जब तक आ जाएगा HDFC बैंक अकाउंट में क्वान्टिटी छोटा छोटा यहाँ पे लगा के जब भी चाहिए फंड ऐड कर लेंगे, एनी टाइम दिस एडेड फंड। तो इस तरह से GTT ऑर्डर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर GTT ऑर्डर यहाँ जाएंगे तो हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास अगर हम बाई हम सेलिंग करेगा राइट, तो सेलिंग करने के लिए हमारे पास ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ हमारा ये जो सेलिंग का है ये वाला है, ठीक है, ये सेलिंग का है। देखो यहाँ पे मैंने सेल डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ज़्यादातर मैं डेली काम करता हूँ, तो USD INR में आप लोग को साइकोलॉजी बिल्डअप अच्छा खासा हो जाएगा, इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, देख सकता है यहाँ पे, इसको बड़ा कर लेंगे एक बार, तो आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से अगर एंट्री हुआ तो टारगेट कहने का जो, अब मेरा टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी GTT ऑर्डर लगा के रखा है, थोड़ा सा मतलब उस टाइम ऑर्डर नहीं था, बाद में ऑर्डर लगाया, तो यहाँ पे आए जब तभी सेल हो जाएगा पांच क्वांटिटी, अगर नीचे जब ही यहाँ पे आएगा तब बाय हो जाएगा, तो ये GTT ऑर्डर अगर हमने यहाँ से बाय किया यहाँ आ गया तभी मैं यहाँ पे एवरेज कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले वाला जो मैं लॉस किया राइट यहाँ पे अगस्त महीने में, तो वो मुझे साइकोलॉजी दे के गया लॉस, तो अगली वाला लॉस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस देन रिकवर, ठीक है, लॉस देन रिकवर कर लिया, अभी और लॉस नहीं देख सकता, अक्टूबर में लॉस नहीं, नवंबर में नहीं लॉस है, अक्टूबर में एक प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे 600, ये मुझे मेरा गलती है, यहाँ पे इस दिन भी प्रॉफिट देके जाता था, यहाँ पे मेरा गलती है, तो यहाँ पे मुझे सीखने को मिलेगा, तीन जगह मुझे सीखने को मिलेगा, तो अगेन अगेन अभी और लॉस करने वाला नहीं, क्योंकि क्वान्टिटी जहाँ पे ज़्यादा लिया मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा अनप शनप ट्रेड किया है वहाँ पर मुझे लॉस देखने को मिला है, तो क्वांटिटी जितना भी ले हो उसका बैकअप एंड वानी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 24 है, इसका मतलब उस तरह से मैनेज करना चाहिए, जितना है यहाँ पे उतना है, 24 यहाँ पे तो है, इसका अंदर फंड ब्लॉक किया गया है 1000, ठीक है, क्योंकि अगर देखेंगे फंड जाएंगे व्यू यहाँ पे फंड में जाएंगे व्यू द समरी, यहाँ पे देखो ये ब्लॉक कर गया, इसका मतलब 25 थे जो भी है, तो यहाँ पे 1 night ब्लॉक किया, यूटिलाइज दे देगा सोमवार में फिर, ठीक है, और ऑर्डर में अभी कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कौन सा ऑर्डर पड़ा है, ये कैश का ऑर्डर पड़ा होगा शायद ये कैश का प्रॉफिट लॉस चल रहा है, जो भी है ये डिलीवरी का पोजीशन है, ये देखो मैं वोडाफोन दूसरा जगह है अभी नहीं यहाँ पे, 60.73% प्रॉफिट दे रहा है, लिया था 7 रुपये में चल रहा है, कितना 7 रुपये में 13 रुपये चल रहा है, मतलब यहाँ पे दूसरा में 2-400 होगा दूसरा अकाउंट में शायद, तो यहाँ पे लॉक्स में ऑर्गेनिक में 640 दे रहा है लॉस, और बस वही लॉस है, क्वान्टिटी नहीं ले रहा छोटा अकाउंट में, तो दिखाने के लिए साइकोलॉजी किस तरह से बिल्डअप करा जाता है, आप लोग को समझ में आया मेरे ख्याल से क्या है नहीं ये, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल USD INR एक स्टेबल करेंसी है, जो भी है मतलब USD INR JPY INR, ठीक है, तीन करेंसी को आप इजीली आपको यहाँ पे सा ट्रेड कर सकते। थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और टेक केयर, बाय बाय, सी यू।